द्वारका में आवी पहुंची 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी थी बनेल सुवर्ण पादुका। समग्र देश में परिभ्रमण करी तारीख 19 अयोध्या राम मंदिर में आ सुवर्ण पादुका बिराजाशे। रामेश्वर धाम थी अमदावाद, द्वारका, सोमनाथ सहित त्यारबाद बद्रीनाथ ने लई जवामां आवशे। द्वारका में आवी पहुंची 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी थी बनेल सुवर्ण पादुका। समग्र देश में परिभ्रमण करी 19 अयोध्या राम मंदिर में आ सुवर्ण पादुका बिराजाशे। रामेश्वर धाम थी अमदावाद, द्वारका, सोमनाथ त्यारबाद बद्रीनाथ लई जवामां आवशे। श्री श्वल निवास ने आ पादुका बनावी होय अने आ पादुका हाथ में लईने 41 दिवस सुधी अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर की परिक्रमा करी छे। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में पादुका ने द्वारकाधीश समक्ष मूकीने पूजा अर्चन करी पुजारी द्वारा करवामां आवी। भक्तिभाव साथ पूजा अर्चना विधि बाद पादुका सोमनाथ तरफ रवाना थशे। मेरा नाम पद्मराज है और मेरे बाजू जो खड़े हैं इनका नाम है श्रीनिवास चल्ला। ये हैदराबाद का रहने वाला है। जब से राम जी का विजय प्राप्त हुआ है तो इनके मन में एक ही कांक्षा था कि मैं राम जी के सेवा में लग जाऊं। तो तुरंत इन्होंने चांदनी की 5 ईंटें लगाया, वो शिलान्यास में जो यूज़ किया वो इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद ये चरण पादुका ने इन्होंने बनाया, ये चांदनी की चरण पादुका बनाई 8 किलो की, और ये लेके पूरा जी राम जी के वनवास का जो पथ था अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक, फिर रामेश्वरम से वापस जाने का इनका इच्छा था तो वहाँ से शुरू किया और ये वापस इंदौर तक पहुँच के जाते जाते तो हमने गुजरात की तरफ से इनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे भी आओ, भक्तजन का उद्धार हो जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने हमारी बात सुनी और यहाँ पे भी आ गए। आज हम द्वारकाधीश में भी पहुँच गए हैं और द्वारकाधीश का भी दर्शन कर लिया, हम बहुत खुश हैं। सब लोगों ने इनका दर्शन भी प्राप्त किया है। अभी इसके ऊपर 1 किलो सोना और चढ़ेगा, ये अयोध्या में उद्घाटन समारोह में पेश कर दिया जाएंगे और मंदिर में चला जाएगा ये। धर्मेंद्र उपाध्याय नो रिपोर्ट, S9 न्यूज, द्वारका। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहेवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।